माधवी लावरे माधवी माधवी जी प्रणोजी का गाना धुआं धुआं 2.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज उसको मिल चुके हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? प्रणव ऐसे ही बहुत सारे सॉन्ग करे और 2.1 मिलियंस नहीं, बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब लाइक 25 मिलियंस होना चाहिए और जल्दी हो जाएंगे। आपने कितने बार सुना? मैंने आई थिंक 8 से 10 बार तो देखा होगा, सुना होगा आराम से, और मैं जनरली देखती रहती हूँ उसको। हाँ यार अच्छा लग रहा है, कितने मिलियंस गए, मैं चेक करती रहती हूँ। खुशी होती ना अपने वाले भी अच्छा काम करते हैं तो मेरी सारी शुभकामनाएं प्रणव के साथ, वो बहुत अच्छी तरीके करे लाइफ में और ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में उनके गाने आए। आई एम एक्ट्रेस। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? अभी रिसेंटली मैंने टिकू एट शेरू मूवी की है विद नवाज सर, मणिकर्णिका प्रोडक्शन की, वो जल्दी रिलीज होने वाली है अमेजोन प्राइम पर, तो आप उसमें मुझे देख सकते हैं। नवाज सर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और जाकिर हुसैन सर हैं। बहुत अच्छा, सो वेरी मतलब एक्टिंग के बाप
बोल सकते हैं उन्हें, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला उनके साथ। 10-12 दिन का काफ़ी अच्छा शेड्यूल था मेरा उनके साथ और सारे सीन उन्हीं के साथ थे, तो मतलब करते हुए भी इतना फ्रेंडली महसूस होता था, ऐसा नहीं लगता था कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रही, नहीं एकदम नॉर्मल पर्सन। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो गाइडेंस भी दे देते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो मतलब एक सीन था उसमें धुआं हो रहा था समय, और उनकी ड्रेस के बारे में मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, तो वो आ रहे थे, तो जस्ट मैं उनको ऐसे ही देखती रह गई, ओ माई गॉड थोड़ी तेरे कुछ जलन हो रही है ना, मैंने कहा हाँ हो रही है। वो आपके जब वो सीन देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा ये मैंने क्यों बोला है। रियल में अगर एक्टर नहीं होते तो क्या आप नवाज को पसंद करती? हाँ बिल्कुल, बिकॉज इंसान एक्टिंग से ज़्यादा वो कैसा इंसान है, ह्यूमन बींग कैसा है उससे पता चलता है, और वो बहुत अच्छे। और कुछ स्पेशल बातें जो किसी को पता नहीं बताना चाहती? किसके बारे में? नवाज के बारे में। नहीं मैं उन्हें पर्सनली तो इतना नहीं जानती, पर सेट पे जितना देखा बहुत अच्छा नेचर है, सबसे बहुत हम्बल तरीके से बात करते हैं। खूबसूरत लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा अपने आँखों से घेर लेते हैं। अरे बाप रे नहीं एक्चुअली उनमें टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट हर किसी को घेर लेता है। अगर मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ तो मेरे आस पास जितने भी मेल होंगे वो अट्रैक्ट तो होंगे ना। तो आपको कैसा लगता है कोई अगर सामने से आपको लाइन मारे? ओह माय गॉड ये वर्ड कुछ ज़्यादा चीज़ी है। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मुझे कोई पसंद करे तो मैं थोड़ी तो खुश होती हूँ, बिकॉज आप एक्टिंग लाइन में हैं तो आपको लाखों लोग पसंद करने चाहिए, करोड़ों लोग पसंद करें तो यही आपकी फैन फॉलोइंग होती है, तो आई लव दिस। त्रिधा मैम को मैंने आश्रम में देखा था और उनका एक बहुत ही डिफरेंट जॉनर था, और ये सॉन्ग से उनकी थोड़ी मुझे लगता है इमेज और डिफरेंट हो गई है एक, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। उन दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, दोनों की ट्यूनिंग अच्छी लग रही है। तो आप कहाँ के रहने वाले? फर्स्ट मूवी या टीवी शो कौन सा था? मैं उज्जैन से हूँ, मध्य प्रदेश उज्जैन, सभी को पता होगा महाकालेश्वर टेम्पल है बहुत ही अच्छा वहाँ पे है ना। और मेरा फर्स्ट शो था मतलब जब मैं यहाँ आई थी नादानिया मैंने किया था, और मुझे आते से ही मिल गया था, मुझे लगा मुझे मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे काम मिलता गया और मैं करती गई। लाइक थैंक यू सो मच। कैसी है? I am very good and how are you? I am very good. Thanks for asking. प्रणव जी का गाना काफी पसंद किया जा रहा है, काफी मिलियंस व्यूज उसको मिले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? I'm really very happy about the song and like I have heard the song in like multiple times on a repeat mode, like वो धुआं 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 धुआं, and very lovely song and they have acted very well. Pranab is my very old friend, like I know him from very long time and I'm very happy to see him in the album and it's doing very well. It has crossed I guess 2 million views and I am really looking forward to it. कैसी लगी केमिस्ट्री त्रिधा? Lovely, 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 wonderful. Like both of them has done a fantastic job and I'm really happy about it. And let's see, I'm hoping it should cross 5 million very soon. Like yeah. ट्राई करती हूँ। सो धुआं 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 आई नो या या सो इवन माई सॉन्ग इज गोन रिलीज बाई मंथ एंड आई हैव डन अ सॉन्ग विथ अमित गुप्ता इफ यू नो so the famous song which is Radhe 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 Krishna ko lage Radhe Dream Girl, so he is the same singer I have shot a song with and it's going to release month end, so yeah. Thank you so much. Thank you. So bad. Yes, yes, बिल्कुल yes. कितनी खुशी हो रही है? मतलब आई कान एक्सप्रेस इन वर्ड्स, एज अ टीम ये हमारा फर्स्ट गाना है और इतना प्यार मिल रहा है गाने को, ऑलरेडी वी स्ट्रीमिंग 2.1 million एंड होपफुली मोर, सो वे ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड आर नेक्स्ट सॉन्ग इज कमिंग ऑन 16th, इट्स कॉल्ड ना इस हमसे करेंगे, जो मैंने कंपोज किया, मैंने गाया है, भाई ने लिखा है, भाई एक्टिंग भी कर रहे, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सॉन्ग इज वेल एंड लॉट्स मोर ऑफ लव टू दैट। कुछ कहना चाहेंगे उस गाने के बारे में, कैसा गाना होगा? वो एक सैड गाना है और मतलब उसकी लिरिक्स काफ़ी मीनिंगफुल है,
इट्स कॉल्ड ना इश्क तुमसे करेंगे ना करने भी देंगे. तो बड़ा इंटरेस्टिंग शूट हुआ है. सो 16 को रिलीज है एंड वी होपिंग दैट इट डू वेल एज वेल. उसमें आई थिंक प्रणव जी एंड सोनल चौहान इज द एक्टर्स विद हिम. या सो काफ़ी अच्छा काम हुआ उसमें. आई मीन माई व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम इज फ्लडेड विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर दैट सॉन्ग. हमने होप तो किया था कि गाना अच्छा होगा बट इतना अच्छा होगा वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट. सो या वी ग्रेटफुल फॉर दैट. लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग स्टफ. हम तीन बड़ी पिक्चरें कर रहे हैं विच वी ऑब्वियसली कांट रिवील नाउ बट लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग स्टफ. एंड हम लोग का शायद 7 या 8 सिंगल्स कर रहे हैं इन द कमिंग मंथ्स. सो या वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Myself Pranav Singhal and I'm a singer. प्रणव सर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनकी टीम जो है जैसे कि उन्होंने यूट्यूब पे आई थिंक 2.5 billion हो चुका है अभी तक. एंड दैट्स वेरी आई थिंक वेरी वेरी बिग वेरी ह्यूज अमाउंट. सो उन्हीं के लिए ढेर सारी सबसे शुभकामनाएँ और आगे आने वाले गानों के लिए भी. आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए. सो मेरी अभी हाल ही में फिल्म आज रोश लगी है. अभी वहीं से आ रहा हूँ उसी की स्क्रीनिंग से. अच्छा. एज अ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मेरे दो गाने रिलीज हुए हैं. उसमें मोंटी शर्मा जी का म्यूजिक है एंड जेवी पंगाल जी ने डायरेक्ट की. एंड मिथुन चक्रवर्ती जी के बेटे मिनू चक्रवर्ती इनकी मूवी है. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड आई थिंक 2 million अबव व्यूज़ आ गए हैं उस गाने को. मैं उस गाने की क्रिएटिव हूँ एंड बहुत मेहनत लगी है. एंड आई थिंक एट दी एंड यही मैटर करता है कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो अच्छा है और टीम वर्क से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है. एंड थैंक यू आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने इस गाने को इतना सपोर्ट किया एंड इतना प्यार दिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. प्रणव जी बहुत खुशी की बात है कि आपका गाना मिलियंस में पहुंच चुका है. लोग काफी पसंद कर रहे हैं गाने को देख सुनकर थिरक रहे हैं. क्या कितनी खुशी हो रही है. सबसे पहले आपने खुशी बयां करिए. खुश तो आप भी लग रही हैं. पूरा घबरा गई हैं मेरे मिलियन से. और देखिए मेरी खुशी में आपकी खुशी है मुझे समझ में आ रही है ये बात. तो बस गिनती बनाए रखिए. 2 million क्रॉस किया है. सब कुछ सही रहा तो 5-10 million तक जाएंगे इस गाने को लेकर. शुरुआत जब इस गाने की हुई थी तब क्या सोचा गया था कि इतनी सफलता मिल पाएगी इस गाने को. ऑनेस्टली बोलूँ तो नहीं. मैं और मेरा भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस गाने के विवियन रिचर्ड, हम लोगों ने बस करना था एक गाना जो कि आउट ऑफ बॉक्स हो. अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा एग्जैक्टली. ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है मगर हमने रिस्क लिया था स्पेशली विवियन ने और ये वर्क कर गया और नकाश की आवाज़ ने जादू कर दिया. जी, जादू तो त्रिदा की अदाओं ने भी किया है. मत पूछिए, यकीनन किया है. आज त्रिदा नहीं है, आज सक्सेस पार्टी हो रही है. त्रिदा मिसिंग है. जी जी, मतलब ठीक है वो गाने में है. अभी कुछ दिन पहले भी प्रमोशन हम लोग साथ में ही कर रहे थे. उनका अपना एक बिजी शेड्यूल है, उसके साथ हर जगह पॉसिबल नहीं है उनका आना. बट कोई नहीं, उनके गाने चल रहे हैं और उनके साथ नाम जोड़ कर देखा जा रहा है तो वो एक अच्छी बात है. जी, काफ़ी आपके करीबी लोग आज शामिल हो रहे हैं. आपके आसपास में भी कुछ करीबी आपके हैं, कुछ उनके बारे में आगे बताना चाहेंगे. ये हैं सोनल जो कि अभी अगले गाने में हमारे साथ हैं और गाने का टाइटल है ना इश्क तुमसे करेंगे. हम दोनों हालांकि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो ये मामला है भी नहीं कि इश्क करेंगे. तो टाइटल भी करेक्ट जा रहा है. एक्चुअली टाइटल भी करेक्ट जा रहा है. क्या सुन रहे हैं सोनल जी, क्या कहना चाहेंगे. आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्रणव जी के साथ, उसको लेकर कुछ कहेंगे. सो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है और मैं प्रणव को बहुत सालों से जानती हूँ. बहुत अच्छे हम अच्छे दोस्त हैं. सो एकदम से हम लोगों का काफ़ी टाइम से चल रहा था कि हम यू नो साथ में करेंगे, कुछ करेंगे करेंगे, पर कुछ वर्कआउट हो ही नहीं पा रहा था. सो फाइनली एक दिन उन्होंने कहा कि ये डेट्स और अपन कर रहे हैं. एंड उस दिन भी इट्स लाइक बहुत तबीयत ख़राब थी हमारी. देन ऑल्सो हमने कैसे से सोचा कि नहीं, अब हमको करना ही है. सो अनफॉर्चुनेटली मतलब अभी तक हो नहीं रहा था और अभी सोनल ही है जिसके साथ बैक टू बैक मैं गाने कर रहा हूँ. अगला गाना भी मेरा इन्हीं के साथ है तो वाकई मुझे मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल जोन हो जाता है. मैम आप कुछ कहेंगे, धुआं धुआं को लेकर क्या कहेंगे. हाय, दिस इज सोनिया प्रजापत और प्रणव मेरे अच्छे दोस्त हैं. मैंने अभी सैम्पल का सॉन्ग देखा जो कि बहुत अच्छा है. पार्टी सॉन्ग काइंड ऑफ है. उस पर लाइक सुनने
सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, ये ऐसे ही सक्सेस होते रहे और हमारे लिए अच्छे अच्छे गाने बनाते रहे। मैं तैयार हूँ एकदम बनाने के लिए। और देखते हैं, भगवान ने चाहा तो हम भी काम करेंगे। भगवान ने क्या, एकदम चाहेंगे तो हो जाए। जी जो सिग्नेचर स्टेप है वो तो हम देखना ही चाहेंगे। यह है कि मेरे एक भाई मेरा यह सिग्नेचर स्टेप। धुआं 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 धुआं। मैं बैकग्राउंड में अगर मेरे भाई की आवाज आ जाए, मेरा भाई एक बार और विपिन भाई। धुआं 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 धुआं। इस गाने की शुभकामनाएं तो मेरी तरफ से बहुत पहले ही से ही थी, और ये जब गाने की तैयारी हो रही थी तब से मैं जुड़ा हुआ था, और तब हमारी डिस्कशन हो रही थी कि गाना पता नहीं कैसा रिस्पांस करेगा, बट प्रणव जी का बिलीव था कि नहीं ये गाना अच्छा करेगा, और हम पूरी टीम का बिलीव था, और वो गाना हमें रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, और धुआं धुआं आप जैसे कि आप देख रहे हैं 2.1 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं और ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं है प्रणव जी को उनके आने वाले फ्यूचर के लिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि प्रकाश जी के डायरेक्शन में हम शूट कर रहे हैं प्रणव के साथ। आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गाने को काफी पसंद किया जा रहा है धुआं धुआं को। Yes. आपकी शुभकामनाएं और आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। लाइक आई सेड, वी एक्सपेक्टेड अ लॉट ऑफ लव, बट ये कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है प्यार, सो वी ग्रेटफुल फॉर दैट। और एज अ टीम ये हमारा फर्स्ट गाना है, एंड सेकंड सॉन्ग इज कॉल्ड ना इस तुमसे करेंगे, वो 16 को आ रहा है, जी से ही आ रहा है, जो मैंने गाया और कंपोज किया। सो फिंगर्स क्रॉस, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। क्या रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं, आपकी टीम को मिल रहे हैं इस गाने के लिए? फ़ोन तो मतलब कंटिन्यूसली बज रहा है विद ऑल ऑफ गुड विशेज एंड स्टफ, एंड वो जो हमारा हुक स्टेप है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सो लाइक आई सेड, वी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव। बहुत ही अच्छा लग रहा है सब रिस्पॉन्स देख के। इट्स अ सैड सॉन्ग, उसके लिरिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, भाई ने लिखे हैं, प्रणव भाई ने। इट्स कॉल्ड ना इश्क तुमसे करेंगे ना करने भी देंगे, और हमारे दोनों फ्रेंड्स प्रणव भाई और सोनू इसमें स्टार हैं, फीचरिंग है। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। क्या उसका शूट हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल शूट हो गया है। आएगा और कब आएगा? 16 में जी पर आ रहे हो। जी आज गाना है धुआं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आज धुआं धुआं का व्यू सबसे ज़्यादा चल रहा है। जी म्यूजिक में सबसे ज़्यादा व्यू देखोगे तो 3 से 4 दिन में धुआं धुआं का ही है, और आज इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा था। हाँ। अनवर जी आज सक्सेस पार्टी में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, कुछ क्रीम लगाएं? नहीं भाई, मैं इतना क्रीम लगाता हूँ। मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, आज मैं इस बात से एग्री करता हूँ। प्रणव जी स्मार्ट है। अरे नहीं, मैं एग्री करता हूँ। अनवर भाई, अनवर भाई कितना परेशान किया अनवर जी ने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप जैसा देखते हैं ये बोलते ही नहीं है, इनका सेट पे भी यही है, इनका बोलना ही नहीं है, इनका कैसा है ना, जो काम है काम करवा लो, क्या काम है बोलो हो जाएगा। हाँ। इनका बोलने बोलने का सीन मोहब्बत के बारे में कुछ बोल दीजिए, कितना मोहब्बत आपसे करते हैं? किन से ये देखिए, मैं इस पे मुझे भी संदेह है कि आपने सिर्फ मेरे साथ 3 ही गाना क्यों बनाया, और 5 गाने का कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहे हैं आप मेरे साथ? वो 5 गाने का ये जब करेंगे तो मैं मानूंगा कि इनको हमसे मोहब्बत है। करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कसम खाइए। हां कसम खा रहा हूं, मैंने लास्ट वाले में भी खिलवाया था कसम। कसम खा रहा हूं, आपके साथ ही नजर नहीं आ रहा है। वो जरा गुजरात चले गए अर्जेंट में। हाय, उनको उनको हम लोग मिस कर रहे हैं, उनको हम लोग सीरियसली मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अगर शेयर करना चाहें? आने वाले वापस से हम गाना बना रहे हैं, प्रणव जी के साथ ही बना रहे हैं। यस, 2-3 गाने और बना रहे हैं, ठीक है, और इन्हीं का सब कुछ रहेगा, जो भी लिरिक्स हो या जो भी एक्स वाई। मेरा तो सब रहता है, मैं सब कुछ साथ लेके आता हूं, एक्सक्यूज मी। अरे हमारा पैसा रहेगा। एक्ट्रेस भी उनकी रहेगी। हां एक्ट्रेस भी। अरे क्या बात है, हीरोइन भी मेरी, क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मेरे मतलब जो गाने मैं कर रहा हूँ इन दिनों, और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि गाने, जो प्रोजेक्ट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग एक फिल्म पे भी अभी काम कर रहे हैं, यही दोनों ही हमारे DOP हैं, अंकित और रवि, और ये जोड़े में आते हैं अब्बास मस्तान के जैसे, हालांकि ये DOP हैं, और कमाल का काम है इसका। इनफैक्ट गणेश आचार्य जो कोरियोग्राफर है, उन्होंने भी इनके काम को सराहा है, सामने से इनकी तारीफ की है, बाकी ये दोनों कहेंगे। जी,
खुशी तो बहुत है, बाकी तो क्या बोलूँ अभी। थैंक यू प्रणव सर का एक मौका दिया हमें। नहीं नहीं भाई, आप लोग का थैंक यू है। अगर मैं आप लोगों को नहीं चुनता तो मैं फिर से बहुत बड़ी गलती करता। थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने कैमरे पे कमान संभाली और इतने ब्यूटीफुल शॉट निकल के आए हैं कि जब देखता हूँ ना तो बड़ी खुशी होती है अपने डिसीजन पे। थैंक यू सो मच कि आप दोनों थे। क्या बोलते हैं उनके, मजा आया कि नहीं? बढ़िया। मैं तो काफ़ी टाइम से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मतलब मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट सर के साथ ही था। इन्होंने फर्स्ट ब्रेक दिया है मुझे और कंटिन्यूसली इनके साथ काम करते जा रहा हूँ। और जो ये सॉन्ग था इसके बारे में, मतलब इसके पहले भी हम लोग ने 2-3 सॉन्ग किए और ये सॉन्ग जिस दिन सुनाया था उस दिन ही मेरे को बहुत अच्छा लगा था और उसके बाद हम लोग ने उस तरह से एग्जीक्यूट किया और आगे और अच्छा भी करते रहेंगे। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हम लोग बहुत जल्दी एक अच्छी प्रॉपर हिंदी फीचर फिल्म कर रहे हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी 100%। चलो जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये है निहाल कुरबा, मेरे बहुत 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 पुराने दोस्त और पंजाबी फिल्मों का एक बड़ा नाम है राइटिंग में। इनफैक्ट ये बहुत अच्छे काबिल एक्टर भी हैं, बोलना पड़ता है ऑन कैमरा। तो अभी हम लोग साथ में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों पे भी काम कर रहे हैं। बाकी तो निहाल बताएं। दोस्त बहुत सारे पोल भी खोल रहे हैं, तो कुछ पोल खोलेंगे प्रणव जी के? देखिए, इनकी जितनी पोल है ना वो पब्लिकली नहीं खोल सकते, मेरी मजबूरी है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ पोल नहीं है। हाँ, पूरे अपने आप में एक ब्रह्मांड है जो खुल जाएगा। देखो, अपने आप ही बता रहा अभी, मैं क्या बोलूँ इससे। और बाकी इनका गाना है, उसके लिए ऑल द बेस्ट है भाई। थैंक यू। और गाना बहुत अच्छा है और अच्छा गा लेते हो तो। और देखो, आज मेन पर्पस है सबको बाइट दिलवाने का, कि जितने भी लोग आज बाइट दे रहे हैं वो कैमरे के सामने कसम खा रहे हैं कि मैं आगे जो भी काम करूंगा, प्रणव गाना लिखेगा, प्रणव ही उसमें रहेगा, इस तरह के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम साथ में जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें प्रणव तो काम करेगा ही करेगा, कि उसके बिना तो मेरा गुजारा नहीं हुआ है। क्या बात है। चलो, थैंक यू सो मच निहाल। थैंक यू थैंक यू सर। एक फोटो काफी अच्छा सॉन्ग है, मैंने भी सुना। धुआं धुआं 1 मिलियन मैंने सुना, व्यू हो गए हैं, 2 मिलियंस हो गए हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन प्रणव जी को। पहले सभी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मीडिया जन आए हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको, धुआं धुआं जो सॉन्ग है बहुत ही प्यारा सॉन्ग और बहुत अलग लेवल पे शूट किया गया है। मतलब बहुत देख के एक अलग सी एनर्जी मिलती है कि हम लोग भी ऐसा करें, मज़ा आएगा। और प्रणव जी ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा उनका एक्टिंग है उसमें, मैंने देखा है। त्रिशा जी हैं, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और प्लीज़ जो नहीं देखे वो जरूर से जरूर जाकर देखें और बहुत इंजॉय करेंगे। आप लोग पार्टी सॉन्ग है फुल, हर जगह आप बजा सकते हैं। 2 मिलियन से 3 मिलियन बना दें दर्शक। या डेफिनेटली, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ। भाभी जी घर पे है, जो मेरा मास्टरनी का कैरेक्टर है मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ। और माशाल्लाह उसके बाद वेब सीरीज़, मूवीज़ काफ़ी मतलब ऑफर हो रहे हैं और करेंगे बहुत जल्द, दिखेंगे बड़े पर्दे पे, धमाल मचाएंगे। जी अभी तो मैंने रिसेंटली में 3-4 गाने किए हैं और एक मूवी किया भोजपुरी मेरे सनम कर, जो कि शूट हो चुका है। बाकी 2-3 प्रोजेक्ट लाइनअप है जो कि जल्दी जल्दी शूट हो रहे हैं। और अभी तो भोजपुरी मैंने जस्ट एंट्री मारी, धीरे धीरे अभी बाहर करते हैं। बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच। और क्या करना है सर, अपने आप से ही बोलना है, आप कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा, कैमरा दीजिए सर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मैं कह नहीं सकता, क्योंकि प्रणव सर, प्रणव भैया मेरे बड़े भाई हैं और आज से नहीं, हमेशा से वो मेरी राइटिंग के लिए, गानों में, हर चीज़ में मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर उनको एक कदम आगे बढ़ता देखता हूँ तो कहीं ना कहीं पीछे से खुद को भी एक कदम आगे आता देखता हूँ, तो बहुत खुशी होती है। प्रोजेक्ट जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन प्रणव भैया के साथ भी बहुत कुछ है और वो अभी तो शायद शेयर करने लायक नहीं है जी। लेकिन हाँ, कुछ वेब सीरीज़ भी हैं, कुछ मूवीज़ भी हैं और गानों में तो प्रणव सर माहिर हैं। हाय, दिस इज काजल चौहान। और प्रणव जी के लिए मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं और
यार मेरे से ऐसे शर्मा को तो मेरे से नहीं बोला जाएगा फिर. नहीं नहीं बोलो, बहुत दिन बाद के सीन है मतलब. हाँ तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बाय हार्ट बहुत अच्छे हैं, और मैंने इनके साथ काम किया है, मुझे काम करके बहुत मज़ा आया. एंड धुआं धुआं के लिए बहुत 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 सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका धुआं धुआं 2 मिलियन क्रॉस कर गया है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और इनका नेक्स्ट सॉन्ग भी आ रहा है जिसका अभी आपने देखा भी कि लोगों ने पोस्टर रिलीज भी कर दिया, नाइश करेंगे तुमसे. और थर्ड सॉन्ग हमारा खुद का आ रहा है काजल के साथ, हमारा तीसरा गाना है जो कि है जुबा कहे अलविदा. हाँ, जो जून 1st वीक में आने वाला है, और आप लोग उसमें देखेंगे कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, इमोशंस, लव, प्यार, सब. काजल ने कमाल का काम किया है, चूंकि टेलीविजन पे अच्छा कर रही है, रनिंग सीरियल है इनका और लोगों के काफ़ी प्यार मिलता रहा इनको. सेट पर इनके साथ मुझे भी काफ़ी सहज महसूस हुआ, और इन्होंने कमाल का, कहने को वीडियो सॉन्ग है मगर अपने आप में वो 2-2.5 मिनट में एक स्टोरी कहती है. हाँ. एक कहानी कहती है, तो डेफिनेटली मजा आने वाला है. और हम नेक्स्ट एल्बम भी कर रहे हैं ना, हम ऐसे कई एल्बम कर रहे हैं. हमें बस एक बात एक साथ कहना, वृंदा भंडारी की जय हो, वृंदा भंडारी की जय हो, बस प्रोड्यूसर की जयकार करते रहो, काम आते रहेगा. थैंक यू, थैंक यू. क्या कहें बताइए. प्रणव हमारे गांव घर से हैं, बिहार से, और वहां का नाम रोशन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में म्यूजिक दिया है, और अब तो एक्टर भी है. काफ़ी मैंने देखी इनकी अभी, मतलब इनकी जब वीडियो एल्बम देखी मैंने, देखा यार काफ़ी धूम मचा रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ अच्छे डांसर हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी, एक्सप्रेशन काफ़ी चेंज कर लेते हैं, जैसे गानों में रिदम चेंज करते हैं. मैं बहुत खुश हूँ, और प्रणव को बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू सो मच दुआ दुआ के लिए, सीरियसली दुआ. थैंक यू सो मच. और किसी के साथ आपके मुलाकात की उम्र बड़ी लंबी होती है, और किसी के साथ छोटी ही होती है मगर बड़ी मजबूत होती है. इनसे मिले हुए मुझे बहुत वक्त नहीं हुआ है, मगर जितना भी हुआ है बड़ा मजबूती से मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा हमारा आपस में समावेश बना है, और डेफिनेटली ये बहुत दूर तक जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. थैंक यू.